यहाँ आज जिन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बसना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और मुझे मेरी पार्टी के सुप्रीमो ने चुनाव लड़ने का जो सिंबल है बसना विधानसभा क्षेत्र से मुझे दिया गया है और मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कहूँगी कि इस बार मैं चुनावी मैदान में हूँ और इस बार मैंने लोगों से ये निवेदन किया है कि किसी व्यक्ति विशेष पे ना, लेकिन न ही पैसा को महत्व दीजिए और न ही राज को महत्व दीजिए। महत्व देना है तो लोकतंत्र की सही परिभाषा को महत्व दीजिए। आपने एक अच्छी बात कही थी, लोकतंत्र पैसा तंत्र, क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में पैसे से वोट बैंक खरीदने की कोशिश की जाएगी? कोशिश तो निरंतर की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पैसा काम नहीं आता। अगर पैसे काम आते तो आज जितने पैसे के दिग्गज हैं वही राजनीति के क्षेत्र में आपको नजर आते, सही राजनीति करने वाला आपको कहीं दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी पैसा इफेक्ट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता जरूर समझेगी कि अति सर्वत्र वर्जित और एक अच्छा विधायक चुनने में जनता अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगी। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी शराब की। महिलाएं जो शराब के कारण परेशान हो रही है, शराबबंदी के वादे करके और ऐसे झूठे वादे करके जिन वादों के दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाया, हम सबसे पहले महिलाओं को लेकर के उनके उत्थान के लिए विशेष रूप से शराबबंदी की का हमारा योजना रहेगा सबसे पहला। दूसरा, किसानों के हित के लिए कार्य। आज भी किसानों का जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं ये सिर्फ उनके विकास की चिड़िया ऊपरी तह में है, नीचे पूरी खोखली नजर आती है, ये है भी खोखली। तो हम जो हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो न्यू से अंतिम इकाई से लोगों को लाभ, जो सरकारी योजनाएं होती है उनका लाभ लोगों को अंतिम इकाई तक मिले, इन योजनाओं को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। आप कांग्रेस और भाजपा में से किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी दोनों हैं और मैं उनके आगे पब्लिक के हिसाब से कहूँ तो मैं एक वो नेता है और मैं नौकर हूँ। मैं पब्लिक का कार्य करती हूँ और मैं न ही विधायक बनना चाहती और न ही नेता बनना चाहती। विधायक का जो मूल उद्देश्य होता है, जो मूल परिभाषा होता है वो ये है कि क्षेत्र एक परिवार है और परिवार का मुखिया या सेवक विधायक। कर पाती क्योंकि वो नेता है, वो राजा है और मैं एक नौकर हूँ और एक सेवक। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार सरायपाली में है, पूरे प्रदेश में है, लेकिन वहाँ के विधायक भी कांग्रेस का ही है। जिस समय में 2008 से 2013 तक सरायपाली का विधायक रहा, 2008 से 2013 तक मैं विपक्ष में था। सत्ता पक्ष अभी हमारे जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष में हैं, इसके पहले और भी रहे हैं रामलाल जी, वो भी सत्ता पक्ष, उस समय बीजेपी के सरकार थे, बीजेपी के विधायक थे। अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की विधायक हैं। ये इन्होंने सत्ता पक्ष में रह करके जो लोगों के लिए हित में काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ। अक्सर लोग बोलते हैं कि भारद्वाज, आप विपक्ष में रह कर के भी आपने सरायपाली के लिए जो काम किया, तुलनात्मक दृष्टि से अगर उसकी तुलना करें तो हमारे एक कार्यकाल में विपक्ष में रह करके सरायपाली के लिए जो विकास किया वो दो पंच वर्षी में नहीं हो पाया। तो लोगों का मांग है कि भारद्वाज, इससे तो आप ही अच्छा थे, आप आइए और योगी पार्टी में आप हैं, योगी पार्टी से चुनाव लड़िए। ऐसे उन्होंने मांग किया तो मैं आया हूँ सरायपाली के लिए। योगी जी ने मेरे को भेजा है कि आप सरायपाली से लड़िए।